हेलो गाइस, दिस साइड आकाश माधुर फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल मिस्टर वाइड स्कूल। ये हमारा 12th ट्यूटोरियल है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर। इस ट्यूटोरियल में आज हम सीखेंगे कि स्कैन एफ के थ्रू, स्कैन एफ का फंक्शन का इस्तेमाल करके हम किस तरीके से यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, और वो जो भी यूज़र से हमने इनपुट लिया वो किस तरीके से हमारे किसी भी डेटा टाइप के वेरिएबल में किस तरीके से स्टोर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे। प्रोजेक्ट टाइटल दे देते हैं यहाँ पर, अपने यहाँ से हम मेन फाइल ले लेंगे। इस हम हेडर फाइल को हटा देते हैं यहाँ से, अभी हमें इस हेडर फाइल की ज़रूरत नहीं है कुछ। सबसे पहले हम यहाँ पे एक डेटा टाइप को डिक्लेयर कर देते हैं और उसके एक वेरिएबल को बना देते हैं। पिछली वीडियो में हमने इस यहीं पे आके, जैसे हमने अपने डेटा टाइप को डिक्लेयर किया और वेरिएबल को हमने यहाँ पे क्रिएट किया, तो इसी पे हमने वैल्यू इनिशियलाइज़ कर दी थी, इक्वल्स टू से असाइन कर दी थी इसमें वैल्यू, है ना। लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट को प्रिंट करेंगे। उसमें हम यूज़र को बताएंगे कि उसे एक नंबर प्रिंट करना है, मतलब एक नंबर को इनपुट करना है। सेमीकोलन लगाएंगे जिसकी वजह से हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब हम स्कैनफ का फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। स्कैनएफ के जो डबल कोट्स होते हैं, इसके अंदर हमें स्पेसिफायर को यूज़ करना होता है कि जो हमारा स्पेसिफायर है वो स्कैनएफ फंक्शन को ये बताएगा कि किस तरीके का डेटा यूज़र से इनपुट में लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा के बाद वेरिएबल नेम देंगे, और वेरिएबल नेम से पहले हम यहाँ पे एम परसेंट लगाएंगे। एम परसेंट क्या करेगा कि जो भी डेटा है हमारा, मतलब एम परसेंट एड्रेस दे देगा हमारे वेरिएबल का, और जो भी यूज़र इनपुट करेगा अपने डेटा को वो सीधा आके हमारे वेरिएबल में स्टोर होगा। क्योंकि जो हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल है रैम में जब लोड होती है, तो जो भी हमने वेरिएबल बनाया उसमें कोई दूसरा डेटा आके स्टोर ना हो जाए, और जो भी यूज़र इनपुट कर रहा है डेटा वो डायरेक्टली जाके हमारे वेरिएबल में स्टोर हो, इसलिए एम परसेंट हम इस्तेमाल करते हैं। अब जो भी डेटा हम यहाँ पर ले लेंगे यूज़र से, जो भी डेटा यूज़र ने इनपुट कर दिया, उसके बाद हम यहाँ पर अब नेक्स्ट लाइन में उसे प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे भी हम परसेंट डी दे देंगे स्पेसिफायर, ताकि जो वैल्यू प्रिंट होने वाली वो हमारी इंटीजर टाइप का, इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी। अब देखिए, हम इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे। ये हमारा प्रोग्राम प्रोसेस में है। ये देखिए, यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है हमारी। अभी ये देखिए प्रोसेसिंग होते हैं, हमारे सामने पहला मैसेज आ गया कि जो हमारी पहली इंस्ट्रक्शन थी प्रिंट एफ एंटर अ नंबर, तो वो पहले एग्जीक्यूट होकर हमारे सामने ये आ चुका है एंटर अ नंबर। और ये जो हमारा यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है ये कर्सर, ये हमसे इनपुट चाहता है कि यूज़र यहाँ पे कुछ इनपुट करे, और हमने पहले ही यहाँ पे बता दिया कि एंटर अ नंबर, तो हमें एक नंबर एंटर करना है। तो हम यहाँ पे एक नंबर एंटर कर देते हैं, जैसे कि सिक्स। सिक्स एंटर करते देखिए यहाँ पे सिक्स हमारा प्रिंट हो चुका है। तो इस तरीके से जैसे ही पहले हमारी पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, तो सबसे पहले एंटर अ नंबर आ गया, और जब हमारा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा था तो स्कैनएफ की वजह से ब्लिंक कर रहा था, और जैसे हमने यहाँ पे नंबर दिया तो वो हमारा नेक्स्ट जो स्टेटमेंट थी प्रिंट एफ वाली वो एग्जीक्यूट हुई, और यहाँ पे हमारा नंबर प्रिंट हो गया। इसको दोबारा रन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इसे हमने दोबारा रन किया, ये देखिए हमारे सामने ये दोबारा से प्रोसेस हो गया हमारी इंस्ट्रक्शन। इसमें हम इस बार दूसरा नंबर देते हैं 78, और ये देखिए 78 प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे डेटा टाइप बदल दूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे करेक्टर डेटा टाइप इस बार डिफाइन किया, और एंटर अ नंबर की जगह मैंने यहाँ पे मैसेज प्रिंट कराया एंटर अ करेक्टर, और स्पेसिफायर में परसेंट सी, जो इस परसेंट सी का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि जो भी हमारा करेक्टर डेटा टाइप है वो ईज़िली स्कैनएफ को समझ में आ जाए कि करेक्टर डेटा, जो भी हम इस बार जो यूज़र इनपुट करने वाला है वो एक करेक्टर होगा, और प्रिंट करा देंगे हम नीचे उसी करेक्टर को। रन करेंगे अपने प्रोग्राम को। सिंपली यहाँ पे करेक्टर को प्रेस करते हैं हम, जैसे कि जी, कैपिटल जी ले लेते हैं, एंटर करेंगे, देखिए जी हमारा यहाँ पे प्रिंट हो गया। अगर से हम दोबारा से रन करें और इस बार हम पूरा एक वर्ड लिख दें, जैसे कि मिस्टर वाइड, तो देखिए मिस्टर वाइड का सिर्फ फर्स्ट कैप, जो फर्स्ट लेटर था सिर्फ वही प्रिंट हुआ है। क्योंकि जो हमारा करेक्टर डेटा टाइप है, आपने कोई वेरिएबल बनाया करेक्टर डेटा टाइप का, तो वो सिर्फ एक ही करेक्टर को कंटेन करता है, इसलिए सिर्फ यहाँ पे एम प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पे फिर से हम डेटा टाइप को बदलते हैं, फ्लोट। फ्लोट डेटा टाइप हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया,
और इस बार मैसेज में हमने प्रिंट कराया एंटर अ नंबर। स्पेसिफायर में हमने परसेंट एफ जो कि फ्लोट के लिए इस्तेमाल होता है, और नीचे भी परसेंट एफ। इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे, मैसेज हमारे सामने आ चुका है। अब यहाँ पे एक नंबर दे देते हैं हम 78 78, हमने यहाँ पे नंबर इनपुट कर दिया, एंटर करेंगे, देखिए 78.000000। तो जो हमारा फ्लोट है, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बनाया था, जो हमारा फ्लोट डेटा टाइप है, अगर आपने उसमें कोई वेरिएबल बनाया है और उसमें अगर आपने नंबर कोई भी नंबर लिखे हैं तो 6 decimal digits तक उस वैल्यू को कंटेन कर सकता है किसी भी कंटेनर में जो भी आपने वेरिएबल बनाया है। तो इसलिए यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे सिर्फ 78 लिखे हैं तो उसके बाद जो भी 6 decimal digits तक जीरोस को अपने आप ही इंसर्ट कर देगा। अगर हम इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करें, जैसे कि दोबारा से रन करते हैं और यहाँ पे इस बार नंबर देते हैं 78.8024, तो देखिए 78.8024 के बाद 78.8024 98 यहाँ पे ऑटोमेटिकली 6 digits में जो 6 decimal digits तक है वो नंबर यहाँ पे ईजिली प्रिंट हो गया, और इसके आगे का प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि जो हमारा फ्लोट डेटा टाइप है सिर्फ 6 decimal digits तक ही वैल्यू को कंटेन करता है। अगर यहाँ पे इस बार हम कोई दूसरी वैल्यू दें जैसे कि 6.4, तो एंटर करते देखिए 6.4, 4 के बाद यहाँ पे 5 zeros ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंसर्ट हो गए। तो इस तरीके से हम किसी भी डेटा को यहाँ पे सिंपली प्रिंट करा सकते हैं यूज़र से लेके। तो इसी तरीके से हम अपने स्कैनर फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइज़, ये वीडियो हमारी यहीं पे ओवर होती है, और आप इसी स्कैनर फंक्शन का इस्तेमाल करके आप दूसरे डेटा टाइप्स को भी यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, और जो भी इनपुट लिया है अपने डेटा पे उस पे प्रोग्राम्स को मतलब उस वेरिएबल पे उस डेटा पे ईजिली एक्शंस ले सकते हैं, और उस डेटा को आप अपने प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज़, ये वीडियो हमारी यहीं पे ओवर होती है। अब हम आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन को हिट करें, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई तो डिसलाइक बटन को हिट करें। सो देन बाय गाइज़।